छोटे मंदिर की वजह से परेशान होते थे भक्त, बड़ा करने को करोड़ों की जमीन दान में दे दी इस मुस्लिम व्यक्ति ने। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इन दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच सोशल मीडिया के जरिए नफरत की भावनाएं फैलाई जा रही हैं, वहीं एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी सलाम करेंगे। अगर ये खबर आपको पसंद आए तो दिल से एक लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जहाँ पर मीडिया के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच, वहीं कर्नाटक के बैंगलोर में दोनों धर्मों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाले एक मुस्लिम शख्स ने एक मंदिर के लिए अपनी जमीन दान दे दी। छोटे मंदिर में लोगों को पूजा पाठ करने में परेशानी हो रही थी, इसी वजह से इस व्यक्ति ने अपनी जमीन दान करके मंदिर का विस्तार कराने के लिए करोड़ों की जमीन दे दी, वो भी दान में। 65 साल के HMG बाशा कार्गो का व्यापार करते हैं। उनका घर काडुगोडी इलाके में है। बाशा के घर के पास बैंगलोर में मायलापुरा में एक 3 एकड़ की जमीन है, जिसके पास एक प्राचीन हनुमान मंदिर बना था। लोगों की मान्यता थी कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते थे। मंदिर थोड़ा छोटा था, इसी वजह से भीड़ होने पर दर्शन करना काफी मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से मंदिर कमेटी ने मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई, लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी। जमीन बाशा के नाम थी, इसलिए मंदिर विस्तार नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब बाशा ने लोगों की परेशानी समझी, तब उसने खुद जाकर मंदिर की लिए जमीन दान करने की बात कमेटी से करी, लेकिन कमेटी वाले अपनी हिम्मत करके वहां नहीं आ पा रहे थे। करोड़ों रुपयों की जमीन की कीमत उन्होंने दान में दे दी। ये जमीन बैंगलोर के ओल्ड मद्रास रोड पर है। ये इलाका बहुत पॉश है, जमीन भी काफी महंगी है, करोड़ों की जमीन है। लेकिन बाशा की दानवीरता को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनकी तारीफों के लिए मंदिर में बाहर होर्डिंग पर हर जगह पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। जमीन मिलते ही देवालय ट्रस्ट ने मंदिर का विस्तार शुरू कर दिया। मंदिर के ट्रस्टी गोडा ने कहा कि मंदिर के लिए जो जमीन दान की गई है, ये पूरे मन से दान की है। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, हम खुश हैं। एक मुसलमान होते हुए भी बादशाह ने मंदिर के लिए जो सोचा, जमीन दान की, इसके लिए हम और आप सबों ने सलाम करते हैं।